जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 31 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि कोरोना मामलों में जिले में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला कलेक्टर एस कृष्ण चेतन द्वारा जिले में एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दमोह जिला कलेक्ट्रेट में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभी दमोह जिले में अन्य जिलों की तुलना में कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं, जिसके कारण जिले में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाए। दमोह जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक संपूर्ण हुई है, जिसमें माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का बैठक किया है। क्योंकि दमोह जिले में अपने नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस भी हो या अभी एक्टिव केसेस भी हो, जो बाकी जिले की तुलना में बहुत ज़्यादा है, सभी का यही राय रही है कि हम लोगों को एक 5-6 दिन, क्योंकि शनिवार और रविवार का ऐसे भी, शनिवार रात से और रविवार और सुबह सोमवार सुबह तक, क्योंकि ऑलरेडी शासन द्वारा ही अपना लॉकडाउन का ये किया हुआ है बंद करने का, तो एक हफ्ता जो है और अपना दमोह जिले में अपना लॉकडाउन को जो है वो आगे करने के लिए वो एक सभी का एक प्रस्ताव पारित हुआ है। क्योंकि शासन का निर्णय है कि हम लोगों को ये अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की पूरी जो प्रस्ताव जो है वो उनके पास भेजा जाएगा और शासन के निर्णय अनुसार फिर अग्रिम हम लोगों का जो भी कार्रवाई होगा किया जाएगा। सर, कोविड पेशेंट अभी जो घर में है उनके लिए क्या निर्देश? अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में इसके बारे में भी विस्तार से बात हुआ है। हम लोगों के यहाँ पे लगभग होम आइसोलेशन के पेशेंट्स 90% हो गए हैं, जो बाकी जिलों की तुलना में भी बहुत ज़्यादा है। अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में भी ये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि सभी जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन सभी लोगों को CCC में या अपने हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। अपने CCC में और हॉस्पिटल में आज के डेट में वैकेंट बेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उसका उपयोग भी नहीं हो रही है, तो ये निर्णय स्पेसिफिकली लिया गया है क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम एक हफ्ते तक ही ये जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो रखने के लिए होगा, तो तब तक हम लोगों को स्थितियों को और सुधारनी पड़ेगी, बहुत अच्छी स्थिति में ले आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हम लोगों को ये अपना होम आइसोलेशन जो है उसकी स्थिति कम करते हुए जो अपना मैक्सिमम अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट या अपना कोविड केयर सेंटर में अपना उपचार की ओर लेने के लिए और सभी का प्रस्ताव पारित।